यथ एकादशो अध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः अर्जुन उवाचः। मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम् अत्त्वा उक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्र अक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम् एवम् एतत् यथा यात् त्वम् आत्मानं परम ईश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुष उत्तम मन्यसे अदि तत्सख्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योग ईश्वर ततो मे त्वं दर्श्य आत्मानं अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि आश्चर्याणि भारत। इह एक अस्तम जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य स चर अचरं मम देहे गुड़ाकेश अथ च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योग ऐश्वरम्। एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोग ईश्वरो हरिः दर्श्यामि आस पार्थाय परम रूपम् ऐश्वरम्। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम दिवि सुर सहस्रस्य भवेत युगपत उत्तिथा अधिभा सदृशी सा स्यात भाषा तस्य महात्मनः। तत्र एक अस्थम जगत्कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तदा ततः स विस्मय आविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृत अंजलि अभासत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तब देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्राह्मणम ईशम कमल आसन अस्थम ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान् अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तब आदिम पश्यामि विश्व ईश्वर विश्व रूप किरीटिनम गदिनम चक्रीनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयम समन्तात् दीप्त अनल अर्क द्युतिम अपरमेयम् त्वाम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुषो मतो मे अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम
अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तभूतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम्। धौ आपृथिव्यो इदं अंतरम ही व्याप्तं त्वया एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपं उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रवेथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलियो गृह्णन्ति। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा अस्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्र आदित्य बसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्णपाः च गंधर्व अक्ष असुर सिद्धसंगा विच्छन्ते त्वां विस्मिता च एव सर्वे। रूपं महत्ते बहु वक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहु उपपादं बहु उदरं बहु दंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका परिव्यथिता तथा अहम्। नभः अस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्आननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां परिव्यथिता अन्तः आत्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देव ईश जगत निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे स एव अग्निपाल संघे भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथा असौ सह अस्मदीय अपि योध्य मुख्य। वक्त्राणि ते त्वर्माना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन अंतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तम अंगे। यदा नदीनां बहवो अम्बुबेगाः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिभि ज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथा एव नासाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। लेली ह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् बदने ज्वलद्भि तेजो भी अपूर्व जगत समग्रम भासा तब उग्रा प्रतपंति विष्णु। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम् आद्यम नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा। तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहिता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानि अपि योद्धवीरान् मया हन्तान् त्वं जहि मा प्रतिष्ठा युद्धेषु जेता असि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृतांजलि वेपमान किरीटी नमः कृत्वा भूय एव आह कृत्स्नं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच अस्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च राशांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणो अपि आदिकत्रे अनंत देव ईश जगत निवास त्वम् अक्षरम् सत असत तत् परम यत् त्वम् आदि देव पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वित्ता असि वेद्यम् च परम च धाम त्वया ततम् विश्वम् अनंत रूप। वायु यम अग्नि वरुण शशंक प्रजापति त्वम् प्रपितामह च नमः नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्व पुनः च भूयोऽपि नमो नमः ते। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोसि ततो असि सर्व। सखा इति मत्वा प्रसभम यदु उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रण एन वा अपि यत् च अवहास अर्थम असत कृतो असि विहारशय्या आसन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत् समक्षम तत् क्षाम्ये त्वाम् अहम् अपरमेयम्। पितासि लोकस्य चर अचरस्य त्वमस्य पूज्यः च गुरुगरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्य अधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इद्यम्। पिताइव पुत्रस्य सखाइव सख्यु प्रिय प्रियाय अर्हसि देव सोढुम्। अदृष्ट पूर्वं हृषो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च परिव्यथितं मनो मे तत् एव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देव ईश जगत निवास। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितं आत्मयोगात् तेजमयं विश्वम अनंतम आद्यम यत् मे त्वत् अन्येन न दृष्ट पूर्वम् न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रियाभि न तपोभि उग्रह एवं रूप शक्य अहम् निर्लोके द्रष्टुम त्वम् अन्येन कुरु परवीर। माते व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरम ईदृक् मम इदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनः त्वं तत एव मे रूपं इदं प्रपश्य। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा स्वपकं रूपं दर्श्याम आसभूय आश्वास्याम आस च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य बपुः महाआत्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं
तब सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि आत्मां देवा अपि अस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिण न अहम वैदे न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम अथा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निबैर सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः।